हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा एक हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय चार चने, सप्ताह 26। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न एक, खाली स्थान भरो। बच्चों, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं, जिसमें कि वाक्य में से दिए गए सही शब्द को ही भरना है। पहला करते हैं, डैश चने खरीदे जाते अगर पैसे होते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो विकल्प दिए हुए हैं, 4 और 8। तो सही विकल्प है 4। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, 4 चने खरीदे जाते अगर पैसे होते। दूसरा, चना तोते को खिलाने पर वह डैश, तो यहाँ लिखेंगे गाता। तीसरा, घोड़े को चना खिलाने पर डैश, तो यहाँ लिखेंगे पीठ पर बिठाता। चौथा, चूहे को चना खिलाने पर डैश, तो यहाँ लिखेंगे दांत टूट जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखें। बच्चों, यहाँ नीले कलर के बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें सही शब्द को खाली स्थान में चुनकर लिखना है। पहला, मुर्गी क्या खाती है, तो यहाँ लिखेंगे दाना। दूसरा, तोता क्या खाता है, तो यहाँ लिखेंगे मिर्च। तीसरा, घोड़ा क्या खाता है, तो यहाँ लिखेंगे घास। चौथा, बंदर क्या खाता है, तो यहाँ लिखेंगे केला, बंदर केला खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन, दिए गए शब्दों में सही जगह पर अ की मात्रा लगाएं। उदाहरण, पसा, इसमें अ की मात्रा लगी तो बन गया पैसा। पहला करते हैं, पदल, इसमें अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा पैदल। दूसरा, बल, ब पर अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा बैल। तीसरा, मैदान, म पे अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मैदान। चौथा, थला, थ पर अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा थैला। पांचवा, जैसा, ज पर अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार, अपनी पसंद के एक पक्षी और एक जानवर का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी पसंद के किसी भी पक्षी और किसी भी एक जानवर का चित्र बनाना है। अर्थात यहाँ पर आपको कुल 2 चित्र बनाने हैं, जिसमें एक पक्षी का होगा और दूसरा होगा एक जानवर का। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से अपनी पसंद के किसी भी पक्षी या जानवर का चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।